अयोध्या में जटायु क्रूज का संचालन शुरू हुआ है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शुभारंभ किया है। सरयू की गोद में जटायु क्रूज चलेगी। अयोध्या के संत महंत स्थानीय लोग मुद्रित हुए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। अयोध्या वासियों को उन्होंने बधाई दी है। अभी छोटे क्रूज का संचालन शुरू हुआ है, जल्दी अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए बड़े क्रूज उपलब्ध होंगे। अयोध्या में सोलर क्रूज का निर्माण हो रहा है, जल्दी सरयू में और क्रूज चलेंगे। और अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ बनकर तैयार होंगे। और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा का भी चौड़ीकरण हो रहा है। कल से श्रद्धालु सरयू नदी में क्रूज से सैर कर सकेंगे। प्रति व्यक्ति 300 रुपये किराया होगा। 300 रुपये में ही श्रद्धालुओं को नाश्ता मिलेगा। नया घाट से गुप्तार घाट तक जटायु क्रूज चलेगा। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना, 18 किलोमीटर का सफर जटायु क्रूज तैयार करवाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी भव्यतम दिव्यतम स्वरूप देते हुए अलौकिक स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों संकल्पित हैं। जनवरी के महीने में जो संभावित तिथि इसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा तय होगी, उस समय तक हम सबका प्रयास है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु यहाँ आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। और उसके बाद जो फुटफॉल या अयोध्या में बढ़ने वाला है वो अकल्पनीय होगा। जो मैं समझता हूँ काशी में जिस तरीके से फुटफॉल बढ़ा है उसको देखते हुए उससे कहीं ज़्यादा फुटफॉल यहाँ अयोध्या में बढ़ने वाला है। तो उस समय तक उनको कोई तकलीफ ना हो। सारे श्रद्धालु को जो भी बेसिक जन सुविधाएँ, उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनकी गाड़ी की पार्किंग की, उनको कहीं आने में जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं करके भव्यता दिव्यता का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, राम नगरी की तर्ज पर पूरा उसको विकसित करने का काम हो रहा है, 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग, सारी उसको परिक्रमा मार्ग को चौड़ीकरण करते हुए, सुदृढ़ीकरण करते हुए उस पर सारी जनसुविधा देने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से पंचकोसी परिक्रमा का पूरा विकास कराया जा रहा है। जितने भी मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उनको सजाने का, संवारने का स्वरूप देने का, लेकिन उनका मूल स्वरूप वही रहे, इसके साथ उनको पूरी तरह विकसित करने का काम कराया जा रहा है। जो 6 द्वार हैं विभिन्न जनपदों से जहाँ अयोध्या में एंट्री करते हैं, उन द्वारों पर भी सारी जन सुविधा, यात्री सुविधाएं देने का काम, वहाँ खाने का, पीने का, ठहरने का, गाड़ी पार्किंग का, डीजल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का, सारी सुविधाएं देने का काम होगा। और इस तरह जो भी अन्य तमाम योजना परियोजना हम चला रहे हैं, उसके साथ ही साथ आज एक क्रूज जो 75 से 90 लोगों को लेकर के जाने का क्षमता वाला है, लेकिन इससे और बड़े क्रूज आने वाले हैं इस कंपनी के द्वारा। और साथ ही साथ नेडा के द्वारा, जो हमारा ऊर्जा विभाग का नेडा है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज पूरे प्रदेश के जहाँ जहाँ हमारे, चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा और वृंदावन हो, यहाँ उसके माध्यम से भी क्रूज चलाने का काम होगा। बल्कि एक सुखद संदेश आपके लिए है, सबसे अच्छी खबर ये है कि जो नेशनल वाटर बेस अथॉरिटी है, उसी तर्ज पर स्टेट वाटर बेस अथॉरिटी का गठन करते हुए हम लोग जितनी भी नदियाँ हैं हमारे प्रदेश में, गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, राप्ती जी, इस तरह की जितनी नदियाँ हैं जो हमारे मानकों को पूरा करती हैं, वह हम इंटर स्टेट वाटर वे के माध्यम से जल और क्रूज चलाने का अभियान चलाएंगे। कॉमर्शियली उससे किसानों को लाभ होगा, सब्जी वालों को लाभ होगा, सब्जी बेचने वाले किसान नदी के किनारे बसने वाले गाँव के अपनी सब्जी तोड़ेंगे, तोड़ करके सब्जी रखेंगे, अगले डस्टबिन पर दे आएंगे। इस तरह से तमाम व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत बड़े ही हमें सफलता उसमें मिलेगी। और साथ ही साथ जो बढ़ता हुआ लोड है रोड्स पर, सड़कों पर, उस पर भी हम लोग रोक सकेंगे, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी ला सकेंगे। इस तरह की तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए खासकर हम लोग तैयार किए हैं कि दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या का स्वरूप विश्व स्तरीय नगर के रूप में हम देने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के प्रयास से लगातार चल रहा है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही हफ्ते आदरणीय
योगी जी के साथ आपके कमिश्नर, आपके डीएम, तमाम अधिकारी लोग यहाँ के सारी योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिखाने गए थे। कुछ नए आइडियाज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए, उन सबको भी क्रियान्वित करने का पूरा काम कराया जाएगा।